अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हैं, तो हमसे आकर मिले, आपके सोए हुए अरमानों को जगा देंगे सर। गुलफाम कली का स्वयंवर हो रही है। ऐसा है कि गुलफाम आपा से कौन शादी करेगा, खुद गुलफाम आपा डिसाइड करेंगे। और हम आप तीनों का इम्तिहान भी लेंगे। विभू, वो बहुत पहुंचा हुआ प्रोफेसर है, वो तुम्हें ठीक कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। अरे हम का बीमार है जो वो हमारा इलाज करेगा। देखो पगली, वैसे हमारा मूड खराब है, और खराब मत करो, हमें कहीं नहीं जाना। हेलो बहुरिया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे। हाँ जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा है? बिल्कुल ठीक ना आई बा अम्मा जी। अरे रो का है रही है बहुरिया, का हुआ उबाय कछु किया का? बैल कछु करते ही तो नहीं है। हैं? बैल कछु नहीं करता? हाँ माँ जी। अरे तू कहना का चाह रही है बहुरिया, साफ साफ बता ना। हाँ अच्छा 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 अच्छा, देता हूँ बैल को, तनिक फोन दे। मांजी बच्ची आएंगी। प्रणाम अम्मा। का रे बैल, हाँ ये बहुरिया का कह रही है, तुम्हारे अंदर के रोमांस के कीड़े बिलबिलाना बंद हो गए हैं, हैं? नहीं अम्मा, ऐसा तो कछु नहीं है। देख बैल, एक बात जो है कान खोल के सुन ले, ये बहुरिया जैसा कह रही है वैसा कर, ये बहुरिया जहाँ लेके जा रही है हुआ जा, वरना अगर हम हुआ आ गए ना, तो हम जो है तुम्हारे रोमांस के कीड़ों पे कीटनाशक छिड़क देंगे। वेलकम मिंटू छाबड़ा की रोमांस क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर मियां बीवी के बीच जो रोमांस का ब्रिज है, उसमें किसी भी किस्म की छोटी से छोटी भी दरार आ जाए ना, तो उसे हम यानी कि मिंटू छाबड़ा जी भरेंगे। अरे साहब, हमारे रोमांस के ब्रिज में दरारें नहीं आई हैं, हमारा रोमांस का ब्रिज तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो आपको देख के लगता है कि आपका ब्रिज बहुत पहले ढह चुका है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार की बनाइए बत्ती। चुप रहो ना, क्या बोल रहे हो? देखिए आप लोग जो भी बात करेंगे यहाँ पे खुल के बात करेंगे, क्योंकि अगर खुल के बात नहीं होगी तो समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। आपका नाम? जी भूप सिंह। और आपका? विद्या। विद्या, तो भूप सिंह जी और विद्या जी, आप दोनों की सबसे पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? जी हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। वेरी गुड। प्रपोज सबसे पहले किसने किया था? इन्होंने। वेरी गुड। तो आप लोगों का रोमांस कहाँ पे हुआ था? हमारे स्कूल के पीछे झाड़ियाँ थी, बस वहीं हुआ था। नाइस प्लेस। वाह मास्टर जी, खुद तो छुप छुप के झाड़ियों गूलर खा चुके और हमें संस्कारों का पाठ पढ़ाते फिरते हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे काउंसलिंग करने दीजिए। हाँ तो पहले हाथ किसने पकड़ा था? इन्होंने। हाउ रोमांटिक। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने मुझे दबोचने की कोशिश की और फिर मैं भाग गया। वाह हाउ रोमांटिक। फिर क्या हुआ? और जब से मेरे हाथ में ही नहीं आते, हमेशा भागते रहते हैं। तो फिर वो संस्कार नाम का लौंडा कैसे हो गया? एक बार पकड़ में आए थे। मुझे ये केस समझ में आ गया, गलती मैडम की नहीं, गलती इन भाई साहब की। सर आप बताइए क्या नाम है आपका? विभूति नारायण। गुड। आपका? मेरा नाम अनीता। आप दोनों की पहली मुलाकात कब हुई? जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो ये एक छोटी सी फ्रॉक पहनकर तितलियां पकड़ रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज थी, इनकी फ्रॉक बार बार उड़ रही थी और ये बार बार फ्रॉक को संभालने की कोशिश कर रही थी। हाँ।
है। आप क्यों करा रहे हैं भाई? नहीं, वैसे छूट गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब फिर मुझे इनसे प्यार हो गया और क्या। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? विपु मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जहां मैं जाती थी वहां पीछे पीछे आ जाता था। कई बार तो मेरे पिताजी और मेरे भाई से पिट भी चुका था, लेकिन फिर भी बाज नहीं आया। भाभी जी, ऐसे बेशरम आदमी को तो आपको पुलिस में दे देना चाहिए था। शट अप। मैं अनु से प्यार करता था। I was in love with her। अरे कोई प्यार व्यार नहीं था, प्यार की आड़ में अब आपकी गंदी सोच थी। अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ चुप रहिए ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसमें सारी गलती भाभी जी की थी। अरे इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती थी ना भाभी जी, आपको फ्रॉक पहनकर तितलियां पकड़नी ही नहीं चाहिए थी। इस चक्कर में किसने तितली दबोच ली? अनु बोल दो इनको कि अपना मुंह बंद रखे, वरना मैं थोपड़ा तोड़ दूं, खींची दबा दूंगा इस आदमी। ठीक है ठीक है, एक मिनट। ट्राइंग माय पेशेंस, ऑलराइट? एक मिनट, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। क्या नाटक है? अरे हम यहाँ काउंसलिंग के लिए आए हैं। हाँ, इन दोनों का तो आदत है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हाँ अमिंटू जी, आप अपना काउंसलिंग शुरू कीजिए। हाँ काउंसलिंग? भाभी जी, इट्स नॉट काउंसलिंग, इट्स काउंसलिंग। सही पकड़े हैं आप, शुरू कीजिए। और आप दोनों बिल्कुल बीच में मत बोलिए, आप शुरू कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अच्छा तो ये बताइए कि आपका रोमांस कहाँ पे शुरू हुआ? कॉलेज के पीछे झाड़ियाँ थी। वाओ, सेम प्लेस। ये बताइए कि शुरुआत किसने की? शुरुआत विभू ने की। शादी के पहले तो अक्सर रोमांस की पहल विभू ही करता था। और शादी के बाद? शादी के बाद विभू के पीछे मैं पड़ी रहती हूँ। विभू को कहाँ कोई इंटरेस्ट है मुझ में। यार 24 घंटे कोई कैसे रोमांटिक हो सकता है यार? I mean 24 hours you just can't think about romance baby। आपके कहने का मतलब आपकी बीवी 24 घंटे आपके पीछे पड़ी रहती थी? 24 घंटे नहीं, कम से कम 12 घंटे तो पीछे पड़ी रहती हैं। मैं 12 घंटे तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? 12 घंटे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? अच्छा चलो 8 घंटे तो एडजस्ट करो ना कहीं बीच में, 8 घंटे तो पड़ी रहती हो ना। रिलैक्स रिलैक्स। एक्चुअली मुझे आप लोगों का केस जो है ना वो समझ में आ गया। एक्चुअली हमारी भाषा में उसे MNBG कहते हैं। MNBG मतलब? मियां नरम बीवी गर्म। हाँ तो आप बताइए जी, आपका नाम? जी हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। गुड। और आपका? और हमरा अंगूरी मनमोहन तिवारी। नाइस नेम। आप दोनों की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? जी हमने इन्हें पहली बार तब देखा था जब ये नदी किनारे जम के कपड़े धो रही थी। क्यों करा रहे हैं? नहीं बस छूट गई, बस कराहट। फिर क्या है? फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या था? उसके बाद ना लड्डू के भैया हमरे पीछे ही पड़ गए। हम जहाँ भी जाते थे ना वहाँ हमरे पीछे पीछे चले आते थे। एक तो बात बताते आपको बहुत मजेदार, हम ना एक बार अपने तबेले में गोबर लेने गए थे, वहाँ भी आ गए लड्डू के भैया। गोबर मारा नहीं, खींच के मुंह पे इनके आपने? बड़ा अच्छा किया उन्होंने, बड़ा अच्छा किया। This man deserves it। आप अपनी चोंच बंद रखेंगे? ओ शट अप। Relax gentlemen, relax। हाँ जी बताइए, फिर क्या हुआ? फिर क्या, इन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया मजबूरी में।
ये बताइए कि आपका पहला रोमांस कब और कहाँ हुआ? झाड़ियों में। वाओ, आप तीनों के रोमांस झाड़ियों में। आपको सांप वांप ने काटा? नहीं नहीं, हमें किसी सांप वांप ने नहीं काटा। अच्छा, मुझे तो काट लिया जी। तो आप भी झाड़ियों में? फिर क्या हुआ? अब फिर का? फिर हम भाग कर शादी कर लिए। उसके बाद? उसके बाद का बताएं आपको? वही तो है ना कि आजकल तो लड्डू के भैया हमारे साथ रोमांस ही ना ही करते हैं। आपका केस भी मैंने स्टडी किया है। इन दोनों केसों की तरह ये केस भी MNBG है। यानी मियां नरम, बीवी गर्म। इन केसों में अक्सर दोष पुरुष का होता है। पुरुष को अपनी बीवी की इच्छा का, उसकी डिजायर्स का कोई परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं करते। इनको सिर्फ अपनी परवाह होती है। और हाँ, बीवियों को भी इनकी डिजायर, इनकी इच्छाओं की कोई फिक्र नहीं होती। इनको भी सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है। Well said. You are absolutely right. आपने ये पहली काम की बात कही है, पहली। Thank you. देखिए, इस प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप लोग एक दूसरे की जगह लें। यानी कि हस्बैंड बीवी बन जाए और बीवी हस्बैंड बन जाए, तब एहसास होगा कि गलत कौन है, कमियां किसमें हैं। Do you understand? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गुलफाम आपा ने ये फैसला तो कर लिया कि उनको टिल्लू टीका मलखान में से किसी एक के साथ शादी करनी। लेकिन अब मैं ये कैसे फैसला करूं कि इन तीनों में से सबसे अच्छा दूल्हा गुलफाम आपा के लिए कौन हो सकता है? वैसे तो तीनों ही जो हैं वो कानपुर के सबसे छठे हुए कमीने हैं, है ना? पर एक भाई होने के नाते मुझे आपा के फैसले का सम्मान भी करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ हाँ बोलो। अरे ड्यूटी जा रहा यार, और कहाँ मर रहे? अरे दादा हैं? अरे तो हम तुमसे वही तो कह रहे, जब तुमसे नौ नौ ठैये बच्चा नहीं संभलते तो तुमने काय को पैदा कर दे, तो हम टाइम अलग से खराब करो तुमने। तो हमने अकेले कर दे का पैदा? तो तुम जो बताओ, हम ड्यूटी करें कि तुम्हारे बच्चन की फलरियां सुखाएं? हमारी तुम जो बताओ, घर से निकलते नहीं, हमारी खोपड़ियां खराब काय करती हो तुम? तुम रखो फोन अभी। काय भाई, ये सक्सेना बड़े टेंशन में लग रहे यार, कब आते? अरे दरोगा जी, क्या बताऊं, जिस भाई की बहन जवान हो, खूबसूरत हो, कुंवारी हो, जब तक उसका घर नहीं बस जाता तब तक वो भाई टेंशन में ही रहता है। बिल्कुल सही, तुमने यार जवाब बिल्कुल सोना आने सच कह दी सक्सेना जी। लेकिन यार तुम्हारी कौन सी जटेम पर जवान, खूबसूरत और कुंवारी बहन बैठी है? गुलफाम आपा की बात कर रहा हूँ मैं। ओहो, हाँ हाँ, हाउ हाउ यार सक्सेना, गुलफाम कली जवान है, खूबसूरत है, जवात में कोनो शक नहीं है। लेकिन गुलफाम कली कुंवारी है, जवात में हमें शक है दादा। क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, मतलब हमारा जो है कि यार देखो, गुलफाम कली ने कर ली हुए कोई शादी, तुम्हें बता के थोड़ी करी हुए, का पता कौन के संग में फेरे ले ले। जी नहीं, वो कुंवारी हैं, उन्होंने अभी तक कोई शादी नहीं की है, और अब उनका ये भाई अकेले उनकी डोली इन कंधों पे उठा के विदा करेगा, समझे आप? सक्सेना जी, बग गुलफाम गली ससुर इतनी भारी है, तुमसे अकेले ना उठेगी बाकी डोली। ऐसा है दरोगा जी, अगर आप कहें तो मैं अकेले आपकी अर्थी शमशान तक उठा के ले जाऊं। मुझे चार कंधों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कब करो जी? अरे हम मजाक उड़ा रहा हूँ। मजाक तो आप कर रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते का अपमान कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं भाई बहन के रिश्ते की क्या फीलिंग होती है, आपकी कुछ समझ में नहीं आता है? सक्सेना यार, हमें तुम पे कबू कबू शक होता है। कैसा शक? यही शक होता है कि तुम कबू कबू ऐसी समझदारी की, इतनी काम की बात कह देते हो, लगता ही नहीं है तुम पागल हो यार, एकदम आम आदमी, नॉर्मल आदमी लगते हो।
जी आप मुझे गाली दे रहे हैं। ना ना अरे मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। आप मुझे मार लीजिए, आप मुझे गाली दे लीजिए, जो करना है कर लीजिए दरोगा जी, पर कभी भी मुझे नॉर्मल इंसान मत बोलिए। नॉर्मल इंसान ये शब्द मुझे किसी तीर की तरह मेरे जिस्म में चुभता है। नहीं मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं ना कोई नहीं है सारे, तू पागल नहीं है। नाराज दरोगा अनोखे लाल सक्सेना पागल है। दरोगा पुसिंग मैं तुझे बताता हूँ मैं कितना बड़ा पागल हूँ, कितना बड़ा पागल। I don't like it. अन्नो 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 क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मैं क्या चिल्ला रहा हूं, मैं तो सिर्फ आवाज दे रहा हूं। तो आवाज धीरे से दो ना यार, गिव मी अ ब्रेक। फुसफुसा के आवाज दूंगा तुम्हारे कानों तक कहाँ पहुंचेगी? मैंने कब कहा कि फुसफुसा के आवाज दो? मैंने कहा धीरे से आवाज दो, वैसे भी तुम्हारी आवाज इतनी कर्कश है मेरे कानों को चुभती है। एक्सक्यूज मी विभो, मैंने कब तुमसे ये कहा? कब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी आवाज कर्कश है? कब कहा? और मैं भी चिल्ला के नहीं तुम्हें बुलाता हूँ, जब भी आता हूँ अंदर बड़े प्यार से बोलता हूँ, and baby I am home, that's what I say. Please. कभी कभी तुम बहुत बेसलूकी से मुझे आवाज देते हो। तुम जब भी बुलाती हो मुझे जलील करती हो भाई को। मैं तुम्हें जलील करती हूँ ये तुम्हें याद है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों जलील करती हूँ ये तुम्हें याद नहीं। तुम मुझे हर बात जलील करती हो, on everything. ओफो विभु, भटक रहे हैं। तुम भूल रहे हो कि मिंटू छाबड़ा ने हमें हिदायत दी है कि हम एक दूसरे का गेटअप ले और एक दूसरे के किरदार को फील करें। मैं तुम्हारा किरदार बड़े अच्छी तरह फील कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी तरह फील कर रहा हूँ। तुम मेरे किरदार के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, न्याय नहीं कर रहे हो। तो बताइए जरा मैं कैसे आपके किरदार के साथ जस्टिस करूं, न्याय करूं, टेल मी। वो मेरा कैरेक्टर ना स्वीट है, रोमांटिक है, रोमांस करो मेरे साथ। हाँ स्टार्ट स्टार्ट अगेन। ओके विभु, विभु सुनो। क्या है विभु? आज ना मेरा रोमांस करने को बहुत मूड है। क्या है ये, क्या है यार? गिव मी अ ब्रेक, जब देखो तुम्हारे अंदर रोमांस ही चलता रहता है। ये तो देखा करो कि मैं थका हारा आया हूँ। I'm tired. Yeah, I'm sorry. कौन से पहाड़ तोड़ के आयो? आवारा गर्दी करके तो आयो? आवारा गर्दी करूंगा क्योंकि आवारा गर्दी करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Excuse me, मैंने ऐसा कब कहा कि आवारा गर्दी करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? When did I say this? तुम्हारे expressions ऐसे ही कहते हैं, मुझे यही लगता है कि तुम यही कह रहे हो। I don't think so. जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे expressions गायब हो जाते हैं, उड़न छू हो जाते हैं। By God, I'm telling you. तो ये क्या है, हम लोग फिर भटक रहे हैं। Actually, हमारा रिश्ता ही भटक गया है। तो फिर वो इसी भटकाव को तो दूर करना है। क्या? अच्छा सुनो ना विपो, हम एक काम करते हैं, हम रोमांस से ही शुरू करते हैं। मुझे पता था तुम आ जाओगे एवेंचुअली रोमांस पे। देखो मैं म्यूजिक लगाता हूँ। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
निकलती लिराहों से। ना।